साउथ के हीरो वाला साड़ी पहनी वो अंकल वहां से देख एक लूंगी पहने तो तुमको क्या करना था क्या कैमरा सो हेलो गाइस इससे लग रहा है बहुत कूल दिख रही है लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिख रही क्योंकि मैं क्यों नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कूल हूँ। तो गाइस नमस्ते, मैं MS कोमल, आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो दीप हम कहाँ आए हैं आज? हम आए हैं मैसूर, बहुत मजा आया। पिछले दो दिन से मैसूर में हैं हम, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। रीजन तो पता चल ही जाएगा लेकिन मैं बहुत ही क्यूट लग रही हूँ यार। मतलब पूरा आउटफिट दिखाओ दीप मेरा, ऐसे दिखाओ ऐसे पूरा ऐसे ऐसे। हाँ वाह कितनी प्यारी लग रही यार, है ना दीप? आपसे तो ज्यादा ही कूल। मेरा भ्रम नहीं गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं हम लोग कहाँ पे रुके हुए मैसूर में। ये देखिए बहुत प्यारी जगह है। हाँ। और ऐसा लग रहा है इधर कम से कम एक दो महीने तो बिता दूं। अच्छी जगह है, इसको सूट नहीं करता। हाय नमस्कारम, कुछ बोलो आंटी हिंदी में। हिंदी नहीं, लुक लुक अच्छी लग रही हो, सुपर सुपर। हाँ मुझे नहीं पता कन्नड़ी में क्या बोलेंगे, छंद आ गए अच्छे से कर रहे आंटी। साड़ी पहनने आता है थैंक यू यूरो सुपर छंद आगे दे का मीनिंग है कि अच्छे लग रहे हो। तो गाइस अभी हम स्लोमो निकाल रहे हैं। या या श्योर। ओह माय गॉड स्टार्ट। और बाकी तो कुछ नहीं, मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ मुझे। अच्छा वाह क्या सीन है। अच्छा मैं ये बोल रहा था। हाँ तुम पागल हो यार लग रहा है जो तुम। ओह माय गॉड क्या भारी लग रहा है। एक नंबर एक नंबर फोटो आई है भैया मेरी। ये और एक और एक और एक। चलो अब एकदम हीरोइन वाला पोज देते हो भैया। मैं पोजर बन सकती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप लो ना मैं पोज देती हूँ। हो गया बैकग्राउंड इधर। बाबा कट फूले के अंदर ये बैकग्राउंड ऐसे लगाओ अच्छा लगेगा। खुद तोड़ रहे हो तो खुद ही लगा लो। अरे मेरे को नहीं दिख रहा है ना, बताओ ना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये नोज रिंग कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस हमारी कैब आ चुकी है और हम जा रहे हैं अभी जंगल घूमने, क्योंकि जहाँ के प्राणी रहते हैं वहाँ पर ही छोड़ना चाहिए। इस प्राणी को हम जा रहे हैं जंगल में छोड़ने, लेकिन एक सेकंड सब जाके पता चलेगा किसको कौन छोड़ता है। हाँ तो आप ही को छोड़ने आए, आप और गायत्री को। ये देखो गाइस कूल बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है लेकिन साड़ी पहनी खेलना जाओ। कूल हो आप फूल हो क्या हुआ? हम जा रहे नीचे का अन्ना दिस विंडो नीचे। क्या बोला तूने? ये राम सब कुछ देना या अनपढ़ के साथ मत देना। बस इसको इंग्लिश बोलने नहीं आता, बोलती है अना दिस विंडो ओपन ओपन ओपन। शाबाश बेटा विंडो बोला विंडो। मुझे पता है हम कहाँ जा रहे भैया। अब हम जा रहे पक्षी राजपुरम। ये नाम बहुत यूनिक लग रहा है जो वहाँ पर क्या है पक्षी राज। अच्छा भगवान सब कुछ देना या अनपढ़ का साथ मत देना। जो अनपढ़ अनपढ़ बोल रहे हो ना दी कोशी फटकरता नहीं पुण्य। अच्छा दुनिया घूमने कहाँ कहाँ घूमे हो बताओ तुम? कहाँ कहाँ घूमे हो? मेरी माँ के चरणों में। आहा, आहा, आहा। ये तो तुम कंटेंट का डायलॉग मार रहे हो। गाइस पक्षी राजपुरा तो आ गए हम लोग। देखो अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है पक्षी राजपुरा, आप सबको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है, पक्षी नहीं दिख रही है। मुझे ये बात नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हें ये पक्षी राजपुरा ये कैसे पता चला? मुझे आता है कन्नड़ आता है मुझे। हाँ डीसी कन्नड़ आता है। अना दिख नहीं रहेगा। अरे तुम आना लूंगी पहने तो तुमको क्या कन्नड़ आता है क्या? अरे कुछ नहीं वहाँ पर इंग्लिश का बोर्ड है, तुमने वो पढ़ा पक्षी राजपुरा है तब तुम बोले। मुझे पता है इंग्लिश का बोर्ड पढ़ा बोला। हाँ यहाँ पे कन्नड़ अनुवाद प्योर भाई। गांव का मजाक नहीं उड़ा रहे हो, पक्षी राजपुरा है तो एक पक्षी तो दिखने चाहिए, यहाँ पे पक्षी नहीं दिख। बात तो सही है, पक्षी राजपुरा आदिवासी का गांव होता है। आदिवासी वो आदिवासी ऑयल अभी चल रहा है कहीं वो। आदिवासी का तेल हम ही आप ही वही है ना जो नकली बनाते हो भाई। नकली तेल तेल हम नहीं बेचते सर, ये पक्षी राजपुरा हम सही तेल बेचते हैं। अच्छा कैसे मान लो आप सही तेल? लोग तो फेक बोल रहे हैं। बोलने से हमको ओरिजिनल इधर दूसरे जगह में चलना पड़ेगा पहले। हमारे साथ स्कैम हुआ है वन बाय वन। वो आप ही बेचते हो ना एक पे एक फ्री तेल? नहीं नहीं हम देते हैं ओरिजिनल तेल हमारे साथ में। मेरा तेल बताओ। चलो ठीक है चलो। 1 hour later अन्ना ने हमको इतने घने जंगल में लेके आ गए पक्षी राजपुरा को ऐसा वैसा बोल दिया इसलिए तो नहीं लेके आए। मुझे तो डर लग रहा है कहीं से हमने लफड़ा तो नहीं ले लिया। अब तू गया बेटा, अब तू गया देखते हैं। मोल ले लिया भाई लगता है यार। जड़ी बूटी यहाँ से ही लेता हूँ। अच्छा आप जड़ी बूटी लेके उधर ऑयल बनाते हो? इधर से जंगल लेता हूँ। इधर कौन सा जड़ी बूटी मिलता है? अभी तो आप अंदर लेके जा रहे हो, खतरा भी संभल सकते हैं। तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको खतरों के खिलाड़ी में होना चाहिए। रोहित शेट्टी से मैं कॉल पे बात करवाती हूँ आपकी, आप नेक्स्ट सीजन में चले जाओ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? थोड़ा सा मस्का लगा रही है, जंगल मस्का नहीं लगा रहे हो? डर गई है कहीं जानवर से खिलाना दे इसलिए थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए मुझे जड़ी बूटी कहाँ लेते हो पहले वो बताओ। जंगल में समय बुला लग जा रहा हूँ। अच्छा इसको छुई मुई है? छुई मुई ठीक है।
एक नंबर बोलते हैं हम जीवा संजीवनी 108 जड़ी बूटी है, फिर भी अगर ऑयल को फेक बोले तो फिर भी डाउट तो थोड़ा सा भी क्योंकि हमने आंखों से अब तक नहीं देखा। तो मुझे एक बार आप बता सकते हो कहाँ पे बनता है? सर हमारा तेल पकाते हैं घर पे, घर में पैकिंग होता है। तो एक बार हमें दिखा सकते हो कहाँ पे पकाते हो? हम दिखा देंगे। चलो फिर वहाँ पर 1 किलोमीटर होता है, मतलब 1 किलोमीटर कोई जानवर खा ले इससे पहले हम पहुँच जाते हैं। मैंने पहन रखी है हील्स और इतनी बड़ी हील्स है मेरी और सबसे फास्ट यहाँ पे मैं ही चल रही हूँ। देखो सब लोग मेरे पीछे, जिस तरीके से आप कुछ भी कर सकती है हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो गाइस फाइनली 1 किलोमीटर चलने के बाद हम अन्ना के शॉप पे आ गए। यही आपका शॉप? यही मेरा शॉप। यही पे तेल बनता है? इधर बनता है। ठीक है चलो बताओ मुझे कैसे बनाते हो। चलो चलो हम अंदर चल। तो गाइस अबे हमें पता चल जाएगा कि ऑयल असली है या नकली। असली तेल मिल जाएगा, मैं सही जगह पे आपको बुला लेकर आप हमें मारने की तो बात नहीं कर रहे ना? अरे मराठी, आप मराठी बोलते हो? तो चलो बताओ हमें। मैडम नमस्ते। नमस्ते जी। आप जो हमारा आदमी को आपने कुछ बात हुआ था, भाई ने आके हमको बताया कि आपको ऐसा फेक ऑयल किधर से आपने ऑर्डर कर लिया, कुछ मिल गया करके ऐसा बताया ना। फेक ऑयल के बारे में बहुत सुना है, जो 1 by 1 जो भी आ रहा है ना 500। हाँ। तो मुझे वो लग रहा है कि 1 buy 1 get 1 देते हो? नहीं मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पक्षीराजपुरा में तो यही होता है मैडम। पक्षीराजपुरा बोलने से ये ओरिजिनल जो हमारा कम्युनिटी होता है वो लोग, हम लोग खुद ये जड़ी बूटियां डाल के बनाते हैं मैडम। क्वांटिटी कैसे स्टार्ट होती है सर? ये आधा लीटर से स्टार्ट होती है। ऑर्डर किया था छोटा बॉटल? ओ तब तो आपने देखी है सर, वो तो फेक ऑयल आपको मिला है सर। देखिए ऐसा कोई एग्जैक्टली सर ये हमारे को कैसे मिला का? तो कोई लोग लेते हैं ऑनलाइन में जैसे आपने लिया है, वो लोग डायरेक्टली तरह से ही लेके आए, फ्रॉड हुआ वो लोग। ये तेल लेके आके हमारे से यही चक्की चेक कर लीजिए, पूरा पानी है सर, कोई तेल नहीं है। और इसमें से ऐसा सेंट की तरह खुशबू भी आ रही है। ये तो पूरा फेक है मैडम, पूरा फेक चीज है। उसको ऐसे ही बॉटल आया था सेम ब्लू जी मैडम, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए जड़ी बूटियां ऐसा घुमा कर आप देखिए, इधर देखो क्या लगाने का। इसको लगाने का जैसा होता है सर की ये बोतल को चेक करना जरूरी है। हाँ। हफ्ते में 3 बार लगाने हैं उसको, तो जड़ी बूटियां नीचे बैठ के रहता है। हाँ थोड़ा मिलना है। अगर मैं अब ये ओरिजिनल लेके जाऊंगी और वो लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम? 15 दिन में ही रिकवर हो जाएगा, 7-8 दिन में होता है। मैं 15 दिन अनुमति ले रहा हूँ। अच्छा मतलब क्योंकि 15 दिन में काम होएगा ही होएगा। कुछ एज लिमिट नहीं है, कोई भी यूज कर सकता? कोई भी यूज कर सकते हैं मैडम, 2 साल के बच्चे से लेके कोई बुजुर्ग तक भी यूज करो। कैसे बनाते हो सर? आइए सर आपको बता दे, मैं आपको जो प्रोसेसर है वो भी बता देता हूँ। ये देखिए मैडम ऐसा ये सूखा वाला जड़ी बूटी होता है और कच्चा वाला होता है। ये होता है मैडम गुलाब का फूल होता है मैडम, शिकेका है। ये आमला होता है और सूखा आमला भी होता है मैडम, छोटा वाला प्याज। 108 प्रकार का जड़ी बूटी होता है मैडम। तेल में डालते हैं, अच्छे तरीके से पकाते हैं मैडम। पकाने के बाद में वो तेल निकल जाता है। ये देखिए हमारा 108 जड़ी बूटी प्रकार का पाउडर होता है मैडम। लंबे लंबे बालों का सीक्रेट है ना, उसका राज नेचुरल स्मेल आ रही है। तो ये तेल आप इसमें बनाते हो? जी मेरा 300 लीटर इसमें भरा जाता है। और ये जो आप 108 जड़ी बूटी मिलाते हो मतलब एक ही ऑयल में इंक्लूडेड रहता है? क्या नहीं सर, 4 रकम का तेल है इसमें, 108 जड़ी बूटी अंदर इंक्लूड करके रखते हैं सर। सारी जड़ी बूटी आप इसमें इसमें डालते हैं सर? सीक्रेट इंग्रेडिएंट मेन काम करता है, यही काम करेगा। मेन काम करने वाले चीज ही मेरे हाथ में, बहुत अच्छा रहता है। हाँ सर। हाँ अगर किसी को ऑयल चाहिए तो यहाँ आने की जरूरत है? नहीं बिल्कुल आप मैसूर आने की जरूरत नहीं मैडम। हमने जो आपको बताया था ना ऐसा ही पैकेज जो बॉक्स होता है, बताओ मुझे एक बार सर ये बॉक्स क्यों पैक किया है? जो आपका एड्रेस व्हाट्सएप में आएगा उसका हम मैनिफेस्ट निकालेंगे, इस पे चिपकाएंगे, आपका घर पे थ्रू डायरेक्ट पहुंचेगा, ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा सर। इंडिया में बेचते हो क्या? इंडिया में बेचते हैं, यहाँ से हमारा आउट ऑफ कंट्री भी है मैडम। आउट ऑफ कंट्री में बेचते मैडम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, कतार दुबई हर जगह में है मैडम। आप आदिवासी लोगों ने तो हमारे इंडिया का नाम रोशन कर दिया यार। क्या मतलब हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं बाहर के, लेकिन अब ऐसा टाइम आया कि वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते। बिल्कुल एक एक दो दो नहीं मैडम, 10-10, 15-15 बैग भर भर के लेके जाते हैं। हम आपको वीडियो दिखा देंगे। और मुझे ये बताओ ये ऑयल आपके यहाँ पर किसी ने यूज किया जिस लंबे लंबे बाल? मैडम बिल्कुल हम लोग यूज किया, तभी तो ये पूरा हमारा दादा परदादा लोगों ने बनाना सीखा है मैडम। आपको दिखा देंगे जो हमारी बच्चियाँ काम करी है, सबके बाल आप चेक कर लीजिए मैडम, चेक करो। काम करिए उन सबको बुलाइए। तो गाइस जैसे कि मैंने इनको बोला है कि मुझे डेमो देखना है, तो अन्ना आप मुझे दिखा दो डेमो। देखिए मैडम देखिए आओ सब आएंगे यहाँ पर। दीपा पे कैमरा हैंडल करो, मैं चेक करती हूँ अपने हाथों से ओरिजिनल है या फेक। तो गाइस मैं अभी चेक कर रही हूँ। अब खोल के देखिए मैडम, खोल के देखिए, खींचिए आप, खींच के देखो, खोल के आप ओपन करिए मैडम। हाँ नहीं सॉरी कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, आप आपका पूरा प्रचार बराबर से ले लीजिए मैडम। हाँ ऐसा नहीं है, आपको डाउट नहीं रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ इससे जू तो नहीं होगा ना कुछ?
ओरिजिनल है ओरिजिनल। अरे जेंट्स के बाल आता है कितने लंबे लंबे। आंटी आप भी लगाते हो क्या? 75 साल हो गए मैडम। मेरी दादी की उम्र के मतलब मेरी दादी का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। हाय करो आंटी। गाइस आपने देखा कि इन सबके बाल ओरिजिनल है तो मुझे अभी 101% भरोसा हो गया। तो मैं अगर ये प्रोडक्ट 3 महीने यूज करूंगी तो मेरे बाल भी इतने बड़े हो जाएंगे। मैडम 3 महीने नहीं, लेडीज के लिए 6 महीने। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है ना, अभी बॉम्बे सिटी में ना बहुत स्मूथनिंग केराटिन करते हैं कि लंबे लंबे बाल दिखने चाहिए। हाँ, तो जैसे स्मूथनिंग करते हैं तो वो बाल थोड़े से खींचे जाते हैं तो बड़े। बिल्कुल तो मेरे यहाँ पर जो है ना बहुत कमजोर हो गया है, अंदर से जड़ जड़ से उखड़ जाता है। स्प्लिट बाल बोलते हैं, सही करते हैं मैडम। बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी भर भर के जाऊंगी, आप टेंशन मत लो, सबको अच्छे से देखो। ये सारे के सारे वीडियो कॉल पे अवेलेबल रहेंगे। अगर इसमें से कोई एक भी दिखेगा ना तो आप बिंदास ऑर्डर कर सकते हो, आपको ओरिजिनल ऑयल मिलेगा आपके घर पे। या तो फिर उसके अलावा www.adivasikasturi.in पे इनका वेबसाइट है, उस पे आप ओरिजिनल ऑयल डायरेक्टली आप आदिवासी कस्तूरी हेयर ऑयल।